हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त कराने में मदद करता है। पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प अ पर्सन अचीव सक्सेस। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जो आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में लोगों को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए। नेम द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टू इन्फॉर्म पीपल इन दिल्ली अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स एंड वेंटिलेटर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। ऑप्शन है दिल्ली स्वास्थ्य, दिल्ली हेल्थ, दिल्ली कोरोना, दिल्ली अस्पताल, दिल्ली बेड सेवा। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दिल्ली कोरोना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मोबाइल एप्लीकेशन दिल्ली कोरोना लॉन्च किया है, जो दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार संभाला है। नेम द पर्सन हु हैज हेल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL। ऑप्शन है वीरेंद्रनाथ दत्त, मनोज मिश्रा, NS वर्मा, अशोक झा। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है वीरेंद्रनाथ दत्त। वीरेंद्रनाथ दत्त ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ट्विटर ने अपना नया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो ओमिद कॉर्डेस्टानी की जगह लेंगे। Name the person whom Twitter has appointed as its new board chairman, who will replace Omid Kordestani. Option है Bill Gates, Jeff Bezos, Patrick Pichet, Mark Zuckerberg. तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है पैट्रिक पिचेट। ट्विटर के पैट्रिक पिचेट को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, वह ओमिद कॉर्डेस्टानी की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट जारी की है, जो ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। नेम द मिनिस्टर विच
has recently released an e-booklet titled 1 Year of Modi 2-0 Towards a Self-Reliant India, which highlights the achievements of the second term of the Modi government. Option hai, Raksha Mantralaya, Ministry of Defense, Graha Mantralaya, Ministry of Home Affairs, Sukshma Laghu aur Madhyam Udyam Mantralaya, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Suchna aur Prasaran Mantralaya, Ministry of Information and Broadcasting. तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. सूचना और प्रसारण मंत्रालय INV ने एक बुक ई बुकलेट जारी की है जिसका नाम है 1 Year ऑफ मोदी 2-0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को KCC देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. KCC का मतलब है The Government of India has launched a special champion to give KCC to 1.5 crore dairy farmers. What does KCC mean? Option है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिबल कार्ड, किसान कोरोना कार्ड, किसान कलेक्शन कार्ड. तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है किसान क्रेडिट कार्ड. भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड KCC अभियान शुरू किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिनका कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद 6 महीने बढ़ा दिया गया है. नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक व्होज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 6 months विद द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन है अमिताभ चौधरी, रजनीश कुमार, आदित्य पुरी, सुब्रमण्यम सुंदरम. तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है सुब्रमण्यम सुंदर. लक्ष्मी विलास बैंक की प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन के बाद बढ़ाया गया है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए शुरू की गई नई पहल का नाम बताइए। नेम द न्यू इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द वंदे भारत मिशन फॉर स्किल मैपिंग ऑफ इंडियन सिटीजन रिटर्निंग फ्रॉम अबॉर्ड। ऑप्शन है धरोहर, स्वदेश, सम्मान। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है स्वदेश। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए एक नई पहल स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। ऑप्शन है 10 जनवरी, 10 जनवरी, 15 मार्च, 15 मार्च, 8 जून, 8 जून, 5 मई, 5 मई। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 8 जून। यह हर साल 8 जून को गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और अधिक शोध की तत्काल आवश्यकता पर अंतर्राष्ट्रीय जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में कई आयोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा। ऑप्शन है क्रिशन मेंद्रू, मजनूमदार, क्रिस्टोफर नॉलन, डैनी बॉयल, रिडले स्कॉट। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है कृष्णेंद्रु मजरूमदार। कृष्णेंद्रु मजरूमदार ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट
विक्रेताओं को किफायत ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का नाम बताइए। नेम द स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर। ऑप्शन है पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है जो स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती ऋण प्रदान करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने 1978 में एनबीए चैंपियनशिप में अपनी फ्रेंचाइजी वाशिंगटन विजार्ड्स का नेतृत्व किया था और जिन्हें 1988 में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेम द बास्केटबॉल प्लेयर हु लीड हिज फ्रेंचाइज वाशिंगटन विजार्ड्स टू द एनबीए चैंपियनशिप in 1978 and was inducted into the Naismith Smith Memorial Basketball Hall of Fame in 1988. Option है Elvin Hayes, Al Monroe, Wes Unseld, Dave Cowens। तो guys बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है वेस अनसेल्ड। बास्केटबॉल खिलाड़ी वेस अनसेल्ड जिन्होंने 1978 में एक एनबीए चैंपियनशिप के लिए अपने मताधिकार वाशिंगटन विजार्ड्स का नेतृत्व किया, उनका निधन हो गया। उन्हें 1988 में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।